वेलकम बैक गाइस टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज दुर्गा, यू आर विजिटिंग ड्रीम इटी वाइन में। तो आज हम रिएक्शन वीडियो बनाएंगे राउंड टू हेल एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। तो एबीपी न्यूज वाले राउंड टू हेल का इंटरव्यू लेते हैं, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन इससे पहले आप लोग मेरे चैनल पे नहीं है तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर करना मत भूलना, बेल आइकन पर क्लिक कर देना जिससे आने वाले सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो डोंट वेस्ट एनी टाइम, लेट्स गेट वॉच इट। YouTube के Avengers, Avengers. तो तीनों को करना है कुछ भी। मुझे क्या पता मैं कौन सा कैरेक्टर करूंगा, पर कर दूंगा कोई सा भी। मुझे जो अच्छा लगता है शोले का, अगर आपको अच्छा लगा है ना, तो वो जो मेरा था अमिताभ का, तो वो बजाने का होता है। तो मैं लास्ट में मरते हुए भी कहता हूँ मेरी इच्छा है कि मैं ये बजाना चाहता हूँ। हम पे एक फिल्म बन सकती है। पहले हमने सोकर की वीडियो बनाई थी वहाँ फुटबॉल की, नाजिम ने, मैंने, फिर हमने फनी वीडियोज बनाई थी इन्होंने। तो सोकर की तो नहीं चली क्योंकि यहाँ ट्रेंड ही नहीं है इंडिया में, लेकिन फनी वीडियोज हमारी चलने लगी थी। मतलब ऐसा है कि हम जो कंटेंट देखते हैं जो हम, मतलब तो वो ज्यादातर साइंस फिक्शन ही देखते हैं, तो जैसा आप देखते हो तो वैसे ही आपको आइडियाज आते भी हैं। अभी YouTube से कितनी कमाई होती है राउंड टू हेल्थ की? गूगल तो मुझ पे मर्सिडीज दिखा रहा है, मुझे बताने में ओला कर जा रहा हूं। हम जो भी चीज क्रिएट करते हैं, जो भी चीज बनाते हैं, हम ये नहीं सोचते कि कोई गलत वे में ले उसको, हम सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस और फनी के पर्पस से बनाते हैं। वायरल कंटेंट बनाने की रेसिपी क्या है? अब तो जो हम डालते हैं वही वायरल है। ये होता है कॉन्फिडेंस। हाय ज़ैन, वसीम एंड नाज़िम, क्यों आए हो आज ENT लाइव पर? सबसे पहले ये बता दो। हम तो रोला जमाने। रोला जमाने। अब वीडियो की शुरुआत में हमने बोल दिया आप रोला जमाने आए हैं, तो ऐसी बातें जरूर करेंगे आज हम जिससे वो जमे और वो जस्ट बोलने के लिए ना जमे, वो लोगों को फील हो। तो बाकी सारी बातें बाद में करूंगी, लेकिन पहले मैं आज व्यूअर्स को एक चीज जरूर बोलना चाहती हूँ कि मुझे पता है आज आप लोग बहुत खुश हो क्योंकि इनकी वीडियो में तो आपको कोई लड़की दिखती नहीं है, लेकिन लड़की आज इनका इंटरव्यू ले रही है। तो आई होप आपको इससे प्रॉब्लम नहीं है कि कोई लड़की आपका इंटरव्यू ले रही है। बिल्कुल नहीं, नहीं, नहीं है कोई दिक्कत है तो बता दो। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। भाभी बुरा मान। भाभी। हाँ, बिल्कुल। ओके। बट मुझे सच सच बताओ, बिल्कुल सच बताओ कि दिक्कत क्या है लड़कियों से, क्यों नहीं लेते हो लड़कियों को वीडियोस में? दिक्कत तो नहीं है, लेकिन मतलब ऐसे नीड ही नहीं लगती हमें। बट हम लोग लेते हैं बाहर चैनल्स पे लेते हैं। लेकिन अब फैंस को दिक्कत होने लगी, हम लड़की ले लेते हैं ना, तो उनको थोड़ा सा लगता है कि वही रहो आप। मुझे मतलब आपको देखते हैं हम लोग, हाँ। तो आप ही लोग रहो, जरूरत नहीं है ना आप लोगों को लड़कियों को लेने की। वैसे भी कहाँ है मुझे अभी बताओ। तो नहीं, अभी तो नहीं है, स्क्रिप्ट के हिसाब से तो जरूरत तो पड़ती नहीं है। मुझे लगता है लड़कियों को दिक्कत हो जाएगी नहीं, और जब पढ़ती है तो आप लोग खुद ही लड़की बन जाते हो। हाँ, हाँ, वो तो, है ना? हाँ। और वो मेरे को लगता है आई थिंक व्यूअर्स को वो चीज बहुत पसंद आती है कहीं ना कहीं आपकी, है ना? मैं अच्छा, खुद भी लड़की बन जाता हूँ। आप खुद भी बन जाते हैं, वही मैं बोल रही हूँ कि आप लोग खुद ही बन जाते हो, आपको लड़कियों को लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन सच बताओ आगे का क्या प्लान है? आगे भी है ऐसा की लड़कियाँ कभी नहीं आने वाली राउंड टू हेल की किसी भी वीडियो में? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। हम देखते हैं फ्यूचर क्या रहता है इसका, हाँ, उसी हिसाब से लेंगे। अभी कोई ऐसा कास्टिंग चल रही है वैसे। कास्टिंग चल रही है गाइस, देखो यहां मैं बैठी हुई हूं, आप लोग कमेंट्स में इनको बोलो कि ये मुझे ही कास्ट कर ले अगली बार। ठीक है, कर ले क्या? ठीक है, चलो कर लेना, बता देना कमेंट में अगर करना हो। कर वो हां ही बोलेंगे, ठीक है। और हां, और क्या बता तो दो, क्या डिमांड है सबसे पहले? क्या डिमांड है? हां चलो, लड़की को आपकी वीडियो में आने के लिए क्या डिमांड है? डिमांड क्या है हमारे? वो चीज आनी चाहिए ना। हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, गालियां बकते हैं, है ना? वो आती है, आप सिखा दोगे तो हम सीख लेंगे। एक्टर का तो काम ही सीखना। नहीं नहीं नहीं, लड़की के साथ गाली कहां पे? अरे ऐसी बात कर रहे हैं, कुछ जरूरी थोड़ी। कट कर देना। कट नहीं होगा, ये चलता रहेगा, इसको कोई कट नहीं करेगा। अच्छा एक बात बताओ, बड़ा अलग सा नाम है, मतलब जैसे कि अब मैं YouTube चैनल्स देखती हूँ खुद बहुत टाइम से YouTube, क्योंकि आजकल हर कोई YouTube चैनल्स ही फॉलो करता है। टीवी देखते हैं, पेरेंट्स वगैरह देखते हैं, ठीक है, बट हम तुम्हारी तो सारी की सारी जनरेशन ही YouTube पर बैठी है। तो नाम होते हैं कैरी मिनाती, बीबी की वाइंस, या हर्ष बेनीवाल, या आशीष चंचलानी का अपना चैनल है राउंड टू हेल। आप तीनों ने ऐसा कुछ होता था कभी कि हमारे ही नाम में से कुछ निकाल के बना देते हैं, या फिर ये राउंड टू हेल जो रखा ये क्यों रखा? नहीं, ऐसा था कि एक गाड़ी जब चलाते हैं ना, कार चलाते हैं, तो उससे थोड़े स्टंट विस्टंट करते हैं, तो मैं राउंड में कर रहा था उससे स्टंट। तो वहाँ से कि एक अगर ये गाड़ी गिर जाती, टूट जाती, या मैं गिर जाता, तो उससे कि एक एक ऐसा चक्कर जो जहन्नुम पहुँचा देता, क्योंकि उस टाइम पर घर पे थोड़ी सख्ती थी कि गाड़ी गिरा दी वगैरह, ये तो उसके हिसाब से लिख दिया कि ऐसा चक्कर जो जहन्नुम पहुँचा देता, राउंड टू हेल। राउंड टू हेल,
इस तरीके से पूरा नाम मुझे भी आज पता चला। इतने टाइम से YouTube पे वीडियोस बना रहे हो, लेकिन एक शिकायत जो सबकी है, नहीं मुझे नहीं पता और मेरी जरूर है, कि वीडियोस इतनी कम क्यों आती हैं? कितना टाइम लगता है एक एक वीडियो को प्रोड्यूस होने में या शूट करने में? इसका टाइम अभी लेटेस्ट वाली आई थी अपनी ज़ॉम्बी 2 है ना, तो ऑलमोस्ट उसमें 2-2.5 मंथ लगे थे टोटल शूट होने में, शूट से एडिटिंग सारा कुछ, शूट से 3 मंथ लग गए विद एडिटिंग, 3 मंथ। क्या ये रीजन है कि इसने कम वीडियोस डालते हो? हाँ, जब क्वालिटी अच्छी और क्वांटिटी अच्छी होगी तो जाहिर सी बात है लेट तो आएगी। कंटेंट ये नहीं है कि इसको फॉर ग्रांटेड नहीं लेते हम, हमें देना है तो बेस्ट देना, बेस्ट देना है, और हम तो उससे कमाई भी नहीं कर पा रहे हैं, येलो डॉलर आ जाता है। अभी कॉपीराइट भी आ गया था लेटेस्ट वाली पे, तो कुछ इतना अर्न यूट्यूब से हो नहीं रहा, बट सही है, फैंस को मजा आ रहा है, हमें भी मजा आ रहा है। ओके, अच्छा आज की डेट में अगर हम आपका यूट्यूब चैनल देखें तो आप लोग ऑलमोस्ट 30 मिलियन टच करने वाले हैं बहुत जल्दी, इंशाल्लाह जल्दी कर भी जाएंगे। तो लेकिन जब अपनी जर्नी को देखते हो तो ऐसा लगता है कि जब शुरुआत की थी, पहले शुरुआत की बात करेंगे फिर यहाँ की बात करेंगे, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आज पूरी जर्नी यहाँ पर कवर हो शुरुआत से। तो सबसे पहला फर्स्ट आइडिया तीनों में से किसका था कि कुछ ऐसा करना है? आइडिया नहीं था इसमें, हम लोग थे तो दोस्त पहले से, लेकिन ऐसा नहीं था कि कोई आइडिया आया है कि हम एक यूट्यूब चैनल बनाएं या कुछ, वो बना लिया था सडनली। तो फिर उसमें हमने कि भाई वीडियोस बनाएंगे ऐसी फ़नी फ़नी, पहले हमने सोकर की वीडियो बनाई थी वहाँ फुटबॉल की, नाजिम ने मैंने, फिर हमने फ़नी वीडियोस बनाई थी इन्होंने, तो सोकर की तो नहीं चली क्योंकि यहाँ ट्रेंड ही नहीं है इंडिया में, लेकिन फ़नी वीडियोज़ हमारी चलने लगी थी, बहुत कम चली थी उस टाइम पर, ऑडियंस भी कम थी लेकिन चली वो, तो फिर हम इस पर स्टक हो गए। और उससे पहले आप लोग क्या कर रहे थे लाइक वीडियोस बनाने से पहले? पढ़ाई कर रहे पढ़ाई, वाह पढ़ाई पूरी करी? हाँ मैं ये भी 12 करके इसने भी 12 करके छोड़ दिया। मैं ना इसका एग्जाम था उस टाइम पे जब अपन बना रहे थे 12th का, 12th इसका पास आउट हो गया था, लेकिन इसका एक 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 एग्जाम में मेरी एक बैक आई थी, एब्सेंस थी थोड़ी सी, मैं DU में था। ओ भाई DU में, वाह कॉलेज पास कर चुके थे। अच्छा है ना, कर लिया था ना 12th किया है मैंने सच बोलो। तो ये जो पढ़ाई से, जैसे आपने बताया कि ड्रॉप आउट भी किया, कॉलेज पास कर लिया, जो भी हुआ, तो जब पहली बार घर में बताया कि ऐसा कुछ प्लान कर रहे हैं, आई थिंक जब आपने शुरू किया होगा लाइक फर्स्ट वीडियो जो आप अपनी बता रहे हो, तो तब ये तो नहीं प्लान होगा कि प्रॉपर यूट्यूब चैनल में ही अपना ध्यान लगाना है? आप तो पहले तो एक्सपेरिमेंट करते हो ना, कुछ डाल के देखा, तो जब घर में 2-3 वीडियोस बना ली और घर वालों को बताया कि ये बनाया है या ये YouTube पर जा रहा है, तो क्या रिएक्शन था पहला? हमने बताया नहीं, लोगों ने देखा और लोगों ने घर पे बताया कि ये लोग कैसी वीडियोस बना रहे हैं, उसमें तो कोई करियर भी नहीं है इस तरीके से, क्या कर रहे हैं? तो ऐसा नहीं था कि हमें घर से मारा नहीं या पीटा नहीं या घर से निकाला नहीं, सब चीजें हुई है। सब चीजें हुई हैं, एक एक महीना घर से बाहर भी रहना, मेरे ख्याल से फिल्म बन सकती है, पिक्चर एक, हम तो एक फिल्म बन सकती है कि ऐसा बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया है। एक एक महीना घर से बाहर रहे थे जब एक वीडियो, उसके अलावा भी काफी क्रिटिसिज्म जो होता है ना लोकेलिटी में, अच्छा सारी चीजें फेस, क्योंकि उस टाइम इतना क्रेज था नहीं वाइंस वगैरह का, है ना, तो लोगों को समझ में नहीं आ रहा था। अब लोग एग्जाम्पल दे सकते हैं बड़े बड़े चैनल्स के, उसको देख के अगर कोई बच्चा कर रहा है कुछ तो दिखा सकता है कि ये, हम बता ही नहीं सकते क्योंकि उस टाइम था ही नहीं कुछ ऐसा, कोई भी ऐसा नहीं था, लेकिन बाहर जाते था कंट्री, पर अब बहुत बेहतर है। अब जो है मैं मानता हूँ, मुझे जो लगता है कि भाई उत्तर प्रदेश में अगर YouTube को जानते हैं लोग, तो मैं मानता हूँ, मेरी राय है कि हमारे थ्रू जानने लगे हैं लोग YouTube को, नहीं तो उत्तर प्रदेश में ज़्यादातर लोग जानते नहीं थे। सब बहुत जगह है ऐसा, तो नहीं मैं, मेरी राय है, मैं अपनी राय रख सकता हूँ। तुम यूपी में घूम ये नहीं कि भाई था बहुत पहले, ये नहीं है कि मैं अपनी राय दे रहा हूँ, क्या हाँ मैं मानता हूँ इस चीज को। एक बात बताओ, जैसे उस टाइम तो जैसे आपने खुद बताया कि क्रिटिसिज्म था, लोकेलिटी में भी हुआ था, तो आज का क्या स्टेटस है? आज ऐसा है कि अब आसपास अगर रिश्तेदार वगैरह मिलते हैं तो यही बोलते हैं कि इनकी तरह बनो, या ऐसा कुछ बोलते हैं कि हमारे बच्चों को भी यू नो कभी कास्ट करो, ऐसा कुछ होता है? ऐसा बहुत ज्यादा होता है, थोड़ा बहुत नहीं होता, बहुत ज्यादा होता। मतलब जो लोग पहले हमें ऐसे दिखा रहे थे कि कुछ नहीं होगा इसमें, आज वही अपने रिश्तेदारों को लेकर आते हैं कि यार एक फोटो प्लीज। अच्छा, लोग अक्सर कहते हैं, स्पेशली बड़े बुजुर्ग तो जरूर कहते हैं, पार्टनरशिप में काम नहीं करना चाहिए, अपना काम करो, अपना काम करो, अगर करो तो, नहीं तो जॉब ही करो, बड़ों का यही कहना है, आई थिंक सबके घर में यही चीज होती है। तो आप तीन लोग
जैसे अभी तक मैंने बाकी सारे जिन चैनल्स के मैंने भी रिसेंटली इनाम लिए सब में होता है कि एक बंदे का खुद का चैनल है, ये तीन लोगों की जो तिगड़ी है ये कैसे सब कुछ बैलेंस करके साथ में चलती है, कौन क्या काम करता है और कौन सबसे ज्यादा उंगली करता है एक दूसरे को? नहीं, ये देखने में तीन है लेकिन है एक ही, हमारी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। तीन है ही नहीं, हम एक ही मानते हैं अपने आप को, इसलिए नाम भी एक है उसमें, राउंड टू है, तो हम ये नहीं मानते कि तीन अलग अलग लोग हैं, मतलब कुछ ज्यादा ही एक है, मैं इनको बस ये कह देता हूं। बॉन्डिंग अच्छी है, बॉन्डिंग अच्छी है। जैसे आपकी बहुत सारी वीडियोस फिलहाल वायरल गई हैं और 50 मिलियन से कम तो ये बात करते ही नहीं है किसी भी वीडियो में गाइस, जो वीडियो आती है ट्रेंडिंग में जाती है, वायरल होती है, फैंस का है सब, वैसे सब कुछ हमारा कुछ नहीं, मतलब वो लोग देखते हैं पसंद करते हैं और यही ह्यूमिलिटी ना आपकी लोगों को पसंद आती है। अब मुझे पता है ये सुन के बहुत सारे लोग अभी कॉमेंट कर रहे होंगे वीडियो रोक कर ये करेंगे। सो एज आई वाज सेइंग शोले ज़ॉम्बी का तीसरा एपिसोड मुझे पता है ये भी कमेंट्स में आने वाला है कि अगला एपिसोड कब आ रहा है ना, तो वो भी चीज है। देन एज ऑफ वाटर और कितनी सारे आइडियाज और अतरंगी आइडियाज, अलादीन वाला जो आपका था वो, तो ये आइडियाज आते कहां से हैं? बिकॉज़ दीज आर नॉट नॉर्मल आइडियाज बाय द वे। मतलब ऐसा है कि हम जो कंटेंट देखते हैं जो हम मतलब, तो वो ज्यादातर साइंस फिक्शन ही देखते हैं, तो जैसा आप देखते हो तो वैसे ही आपको आइडियाज आते भी हैं, मतलब ये भी साइंस फिक्शन देखते हैं, मैं भी, नाजिम भी, तो वैसे ही हम बनाना भी चाहते हैं क्योंकि इंडिया में नहीं है कि ऐसा कोई यूट्यूब पे दे रहा हो। और मेरे ख्याल से ये साइंस फिक्शन वाला पकड़ना रिस्की भी है, इंडिया बहुत से लोग डरते हैं कि इसलिए वो सेफ सेफ करते हैं, लेकिन कोई है ना सेफ खेलते हैं। तो लेकिन हमें मजा आता है, थोड़ा रिस्क लेने में मजा आता है और फैंस हमारे तो उस रिस्क को देखते हुए सपोर्ट भी करते हैं। अच्छा पहली अर्निंग जी यूट्यूब की याद है कितनी? 7,200 और उसमें ये हुआ था कि हमें वो खर्च नहीं करने, अपने पर्सनल खर्च नहीं करने, हमें वो जो है दान करने, मतलब गरीब लोगों में है ना उसको बांटना, जो भी हेल्प कर सकते हैं किसी की जो नीड है जिसको, तो हमने वो किया था है ना। मतलब पहले से मन था कि फर्स्ट अर्निंग तो हम देंगे, तो वो हमने सारी दे दी। इस पे इसने 10 रुपए 10 रुपए का कुछ घोल करा ना, लेकिन वो मैंने करवा दिए थे कि 10 रुपए दे पहले। ऐसा क्या हुआ? नहीं, 10 नहीं था मेरी ख्याल से, 30 कुछ रुपए थे, 30 शिकंजी भी थी ना, मैंने पी ली दे 10 रुपए दे पहले, फिर मैंने अपने पर्सनल ला के दिए थे। नहीं, जो था पूरा करना था ना, वो जो कहा है तो करते हैं। अच्छा, थोड़ा टाइम लगता है मगर होता है। और इंटरव्यूज इतने कम क्यों देते हो? ऐसा है आप लोग इंटरव्यूज, मतलब अगर आपको सर्च किया जाए यूट्यूब पर, फॉर एग्जांपल राउंड टू हेल इंटरव्यूज, बहुत कम इंटरव्यूज आते हैं। कम टाइम ही कम है ना, कम मिलता है क्योंकि बिजी इतने रहते हैं ये लोग शूट करने में। सच्चाई बता। क्या सच्चाई है? नहीं मतलब कोई इतना ज्यादा हाईलाइट में आने का वो होता नहीं हमारा, के बेसिकली मतलब वर्क दिखाना है हमें, इतना इंटरव्यूज वगैरह इसलिए करते नहीं जाते। लेकिन आपको क्या लगता है कि आपके हिसाब से, आप तीनों के हिसाब से, ऐसी कौन सी एक खास बात है जिससे आपका इतना स्ट्रॉन्ग फैन बेस बना हुआ है आज के टाइम में? क्या बताओगे आप, क्या चीज है एक ऐसी फैन बेस मतलब हमारा क्या ऐसा जोड़ रखा है फैन? मेरे ख्याल से ऑडियंस हमसे कनेक्ट कर पाती है, वो अपने आप को देखती है हमें, मुझे ऐसा लगता है, मतलब हमसे देखती है कि हम उन लोगों के करीब ही हैं बिल्कुल। ऐसे हम लोग मैं जो बेसिकली बात है कि इतने प्रोफेशनल हम हैं नहीं, जो बात बन सकते हैं हम बनते नहीं बन रहे हैं, तो वो चीज देखती है कि बन रहे हैं तो उनको लगता है वो भी बन सकते हैं, तो उनसे बहुत कनेक्ट है। और एक नीचे से उठा हुआ बंदा कोई भी बन सकता है, हाँ, तो वो चीज मुझे लगता है कनेक्ट करती है। हम कार से कहीं जा रहे हैं और लड़के पहचान लेते हैं, तो वो जो है एक तो कट्टर फैन है अपने एकदम, कि अरे बस हम सब बोल रहे हैं शीशा नीचे करके, तो भाई तू आगे रुक, ये सिंगल रोड है, हम तुझे सेल्फी दे देंगे। उसने जो थी अपनी गाड़ी भगाई और आगे पता नहीं डिवाइडर आया क्या आया, वो गिरा और बहुत ज्यादा ऐसा गिरता हुआ गया और उसके बहुत चोट लगी, खून निकल रहा, हमने गाड़ी रोकी। फैन फेस्ट की आपकी वीडियोस काफी वायरल हुई थी उस टाइम, आई थिंक आपने किसी इंटरव्यू में बताया था कि किस तरह से बैरिकेड्स तोड़े गए। एम्बियंस मॉल में था फैन फेस्ट, तो उस टाइम पे ना क्या हुआ था कि बहुत सारे फैंस इकट्ठा हो गए थे, हमने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतने ज्यादा फैंस आ जाएंगे, तो हम जैसे स्टेज पर पहुंचे तो जो फैंस थे उनकी भीड़ बेकाबू हो गई और जो बैरिकेड्स लगे हुए थे आगे उन्होंने वो तोड़ दिए। तो हम शो शुरू ही कर रहे थे, मैं अपना कैरेक्टर ले रहा था, ये अपना ले रहा था, वो फैंस ने इतनी वो कर दी कि वो जो बाउंसर थे या जो गार्ड्स थे वो भी नहीं कर पाए कंट्रोल, स्टेज पर चढ़ कर आ गए, तो हमें उन्होंने नीचे उतारा वापस। और फिर एक मूवी देखने गए थे अक्षय कुमार की थी,
और उस मूवी में मूवी देख ली, वो मूवी एंड हुई तो जैसे हम उठे तो दो लड़कों ने पहचाना। वो पहला एनकाउंटर था कि कोई सेल्फी लेने कह रहा, तो उन्होंने जैसे कहा भाई एक सेल्फी लेनी है, हमारे मुंह लाल रिएक्ट कैसे करें, एक सेलिब्रिटी कैसे रिएक्ट करता है कोई सेल्फी को, पता नहीं। खुशी होती है जब हम इतनी मेहनत करते हैं और ऐसा रिस्पॉन्स मिलता है पब्लिक का, मेहनत वसूल हो जाती है। अभी YouTube से कितनी कमाई होती है राउंड टू हेल्थ की? गूगल तो मुझ पे मर्सिडीज दिखा रहा है, मुझे बताने में ओला करके आया हूँ। हम फैन से कहना चाहते हैं, देखो जब भी हम अगर आपको रास्ते में मिल जाएं, हम कार से कहीं जा रहे हैं और लड़के पहचान लेते हैं, तो ऐसे बिल्कुल हाथ दो, आराम से रोकने को बोलो, रुक जाएंगे। पर ऐसे बहस करना वो सही नहीं है, आपके लिए भी हमारे लिए भी। वायरल कॉन्टेंट बनाने की रेसिपी क्या है? अब तो जो हम डालते हैं वही वायरल है। ये होता है कॉन्फिडेंस। कोई फैन एनकाउंटर है जो याद हो, जब ऐसा लगा हो कि यार ये एक्सपेक्ट नहीं किया था और क्या हो गया आज हमारे साथ, ऐसा कभी कुछ हुआ है? बहुत सारे ऐसे। तो एक हमारे साथ सबसे पहला तो वो था ना, जो एक फैन ने सेल्फी ली थी जिंदगी में पहली बार, जो मूवी देखने गए थे अपन। हाँ, अब मुंह लाल जो हो गए थे अपने। क्या ऐसा था, जब हम ग्रो करना शुरू किए, हमारी एक वीडियो वायरल हुई थी मौका मौका वाली, तो हम है ना ग्रो करना, तो हम एक मूवी देखने गए थे अक्षय कुमार की थी, और उस मूवी में मूवी देख ली, वो मूवी एंड हुई, तो जब हम उठे खड़े हुए तब तो हमें कौन पहचान रहा है, हमें ये लगा ना, तो जैसे हम उठे तो दो लड़कों ने पहचाना। वो पहला एनकाउंटर था कि कोई सेल्फी लेने कह रहा, तो उन्होंने जैसे कहा भाई एक सेल्फी लेनी है, हमारे मुंह लाल रिएक्ट कैसे करें, एक सेलिब्रिटी कैसे रिएक्ट करता है कोई सेल्फी को, पता नहीं। ले लो भाई, तो उन्होंने ले ली, बहुत अच्छा लगा था उस टाइम, शर्म भी आ रही थी लेकिन अच्छा भी लग रहा था कि लोग रिकॉग्नाइज करने लग गए हैं। फर्स्ट टाइम वाली फीलिंग भी अलग होती है, अलग होती है वो, इसलिए आप लोगों को ऐसे एकदम याद है कि ऐसा हुआ था। इसके अलावा और कोई ऐसा कोई फैन मोमेंट हुआ जब कुछ किसी ने जबरदस्त कर दिया और आपको लग रहा हो? हाँ, एक अभी हुआ था ना, अभी कुछ मंथ पहले हम लोग जा रहे थे मेरे ख्याल से उत्तराखंड साइड है ना, तो फैन पीछे से बाइक लेकर आ रहा था, और यार भाई तो वो बुरा लगा, मतलब था भी लेकिन बहुत ज्यादा गलत। हम कहना चाहते हैं ये बात है ना, हम फैन से कहना चाहते हैं, देखो जब भी हम अगर आपको रास्ते में मिल जाएं, हम कार से कहीं जा रहे हैं और लड़के पहचान लेते हैं, तो वो जो एक तो कट्टर फैन अपने उसे एक्साइटमेंट इतना हो गया कि मैंने देख लिया नाजिम भाई, वसीम भाई, जैन भाई को, अब तो बस, तो उसने क्या, हम से बोल रहे हैं शीशा नीचे करके, तो भाई तू आगे रुक, ये सिंगल रोड है, हम तुझे सेल्फी दे देंगे। तो कार चला रहे हैं और वो सिंगल ही रोड था, उसने जो थी अपनी गाड़ी भगाई, आगे पता नहीं डिवाइडर आया क्या आया, वो गिरा और बहुत ज्यादा ऐसा गिरता हुआ गया और उसके बहुत चोट लगी, खून निकल रहा, हमने गाड़ी रोकी, बिल्कुल रोड ब्लॉक कर दी हमने एकदम की कोई आ ना जाए, तो जब वो उठा उसके खून निकल रहा है लिटरली, और सब में फटा पड़ा और कह रहा है एक सेल्फी दे दो। मैं पास गया उठाने, तो वो मोबाइल निकाल के भाई एक सेल्फी दे, मैं हालत तो देख, इसमें ज़ॉम्बी लग रहा है, ज़ॉम्बी का रोल मिलने वाला था, और हम लोकेशन भी ज़ॉम्बी की देखने जा रहे थे, तो रियल ज़ॉम्बी, हमें बहुत तरस आया उस पर, हमने फिर उसको तू पहुंच यार देख, और दो चार लोगों को बिठाया उसके साथ गांव के, कि तू भाई पहले इसका वो करवा ट्रीटमेंट, बट ये तो अलग ही, मतलब थोड़ा फनी भी लेकिन बुरा लग रहा था उसके लिए, बहुत बुरा। फिर हमने उससे इंस्टाग्राम आईडी पूछी, अच्छा इंस्टा पे दे और हम ये तुझे का तेरा ख्याल पूछते रहेंगे, तो ये ठीक हो गया। फैन से बोल दो कि यार प्लीज इतना, मतलब ऐसा नहीं, ऐसा मत किया करो, अगर हम कहीं जा रहे हैं तो रोक लेंगे, हाथ दो, आराम से रोकने को बोलो, रुक जाएंगे, पर ऐसे बहस करना वो सही नहीं है, आपके लिए भी हमारे लिए भी सही नहीं है, मतलब ज़ॉम्बीज हैं ना हमारे पास, अपना वेलबीइंग का ध्यान रखना पड़ेगा। एग्जैक्टली। अच्छा, इसी के साथ एक और सवाल था कि सबसे चैलेंजिंग वीडियो अभी तक की कौन सी रही है, जिसमें सबसे ज्यादा चैलेंजेस फेस किए या शूट के टाइम दिक्कतें आई? मैं कहूंगा कि हमारी हर न्यू वीडियो चैलेंजिंग होती है, लेकिन जैसे ही करते हैं तो न्यू लगने लगती है, मुझे तो यही ज्यादा चैलेंजिंग है, क्योंकि लिमिट क्रॉस करते जा रहे हैं हम खुद अपनी शूट करने में। हमारा एक फंडामेंटल है कि हम पिछली बार से बेटर देना हमें, पिछली बार से, अगर पिछली 19 थी तो हमें 20 देना है। लेकिन अगर हाँ आप पूछ रही हो तो बता देते हैं, एक हमें ज्यादा वो लगी थी एज ऑफ वाटर, क्योंकि वो रेगिस्तान में हुई, रेगिस्तान में शूट हुई और वो ऐसी थी कि उसमें इतनी धूप थी, इतनी गर्मी थी और हम शूट कर रहे थे वहाँ पे रेगिस्तान, शूट कर रहे थे, गए थे बहुत साफ सुथरे, हाँ। वहां से लौटे तो घर वालों ने मना कर दिया कि घर में कौन है भाई,
तो काफी वहाँ पे सनलाइट बहुत तेज लगती है वहाँ जो अपना जैसलमेर में। एक तो रात में बहुत ठंड हो रही है और सुबह में ठंड हो रही है, लेकिन जैसी ही धूप निकल रही है दोपहर में तो इतनी गर्मी की यहाँ जून वाली गर्मी वहाँ दिसंबर तो डबल इम्पैक्ट पड़ रहा था, ठंड भी गर्मी भी, ठंड गर्मी सर्दी गर्मी, मौसम बहुत चैलेंजिंग होता है शूट में। लेकिन तब बड़ा अच्छा लगा होगा जब वो वीडियो इतनी ज्यादा पसंद की गई, बिकॉज़ आपकी वन ऑफ द पॉपुलर वीडियोस में से है वो इस टाइम पर, तो आपको लगता है कि इतना जो एफर्ट किया वो कहीं ना कहीं रंग लाया। एफर्ट तो खुशी, हर बार खुशी होती है जब हम इतनी मेहनत करते हैं और ऐसा रिस्पॉन्स मिलता है पब्लिक का, तो खुशी होती है, मेहनत वसूल हो जाती है कि हाँ भाई जो हमने सोचा था उससे ज्यादा मिला, उससे बढ़ के मिला, तो वो मेहनत मायने नहीं रखती जो हम करते हैं, मगर मिलता रहे ऐसी तो और बेहतर करते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे आगे। अच्छा चैलेंजिंग वीडियो तो बताइए, कोई ओवररेटेड वीडियो है जिसमें जब शूट कर रहे थे तो पता नहीं था कि इतनी बड़ी बनेगी और ना उसमें प्रोडक्शन ज्यादा लगी ना उसमें कुछ ज्यादा लगा, लेकिन वो इतनी बढ़िया निकल गई आपको दूर दूर तक उम्मीद नहीं थी, ऐसी कोई वीडियो है आपकी? मौका मौका थी नहीं, वो तो स्टार्टिंग वही बहुत वही एक वो ही है और कोई सी याद है फिर तो आप लोग आईपीएल पार्ट वन था शायद, मतलब जो वो गया उस पे इतना इतनी उम्मीद था, कह सकते हो पार्ट टू तो डिफिकल्ट था, पार्ट वन मतलब अनएक्सपेक्टेड था, उम्मीद नहीं होती तो कोई बोल रहा है उम्मीद नहीं है तो झूठ बोल रहा है, कह सकते हैं कि प्रोडक्शन कम था, सबसे कम था उसमें। अच्छा जब ना हर एक जर्नी होती है, आप तीनों की भी एक जर्नी रही, आपके चैनल को 5 साल हो गए, तो उसकी एक जर्नी रही है, कोई डार्क फेज आया है अभी तक आपके पूरी की पूरी यूट्यूब की जर्नी में जहाँ पर आपको लगा हो कि चीजें वैसी गई ही नहीं जैसी हम चाह रहे थे या कुछ अलग ही हो गया बिल्कुल? हाँ कह सकते हैं, बहुत चीजें हैं हमारे साथ जो मतलब लोग ऐसा दिखा देते हैं कुछ लोग कि वो ये चीज ऐसे थी, लेकिन वो ऐसी कभी नहीं थी, है ना? जैसे अभी कंट्रोवर्सीज हुई हैं हमारे साथ 3-4, तो वो हम कभी ऐसा सोच के नहीं बनाते कि हम, लेकिन पता नहीं लोग किस वे में उस चीज को दिखा देते हैं, ले लेते हैं, पहले नहीं लेते बाद में उसमें से छांट कर दिखा देते हैं, कुछ लोग हैं लेकिन हमारे फैंस उस चीज में बहुत सपोर्ट करते हैं कि भाई ऐसा नहीं है ऐसा है, उन लोगों को कमेंट्स में ही बताते हैं कि भाई तू ऐसा क्यों कर रहा है, जब भी कॉन्ट्रोवर्सी शुरू होने वाली होती है या एंड होने वाली होती है, ऐसा कभी इंटेंशन होता ही नहीं हमारा, मतलब ऐसा क्योंकि हम तो फन के लिए बनाते हैं और बहुत सोच, बाकी अनइंटेंशनली अगर कुछ निकल जाता तो हम उसके लिए वैसे ही सॉरी बोल देते हैं कि ऐसा कुछ नहीं। बिल्कुल। अच्छा माहौल ना थोड़ा सा वैसा हो गया बिकॉज हमने आपके ऐसे फेस की बात, सीरियस हो गया, लाइट कर देते हैं क्योंकि सीरियसनेस में ज्यादा देर बर्दाश्त नहीं कर पाती हूं, तो थोड़ा सा लाइट कर देते हैं। और मेरे को पता है कि बहुत देर से व्यूअर्स एक चीज का वेट कर रहे हैं, वो है आपके कुछ कैरेक्टर्स का जिनके वो दीवाने हैं, कैरेक्टर्स तो आपके सभी लोगों को बहुत पसंद आते हैं, तो लेट्स स्टार्ट। जैसे कि एक जय वीरू का कैरेक्टर है शोले का, दैट इज वेरी फेमस, लाइक बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है, मुझे ऑफिस में स्पेशली बोला गया कि प्लीज उनसे एक बार वो करवाना। मतलब हम उसमें क्या करें? आप उसमें कुछ भी, अब यार आप कंटेंट क्रिएटर हो, मुझे लगता है कि मैं तो इस लीग में ही नहीं हूँ, तो मैं नहीं बताऊंगी कि आपको क्या करना है, नहीं, मैं सिर्फ उन कैरेक्टर्स के नाम लूंगी और जो चाहे करंट सिचुएशन को लेकर बात कर लो, जैसे हम अभी बैठे हैं और अभी हमारी बातचीत हो रही है, इसी के हिसाब से अगर जय वीरू होंगे तो वो कैसे बात करेंगे? मुझे तो ये भी याद नहीं रहा, मैं अमिताभ बच्चन धर्मेंद्र इसका कैरेक्टर था, अमिताभ बच्चन साहब का, मेरा धर्मेंद्र का था, लेकिन मुझे अभी ऐसा नहीं लग रहा कि फनी था, मतलब मुझे जो अच्छा लगता है शोले का, अगर आपको अच्छा लगा है ना तो वो जो मेरा था अमिताभ का, तो वो बजाने का होता है ना, तो मैं लास्ट में मरते हुए भी कहता हूँ मेरी इच्छा है कि मैं ये बजाना चाहता हूँ, बहुत बुरा मैं इसके नेचुरल मोड मैं देखता हूँ कि मैंने मारा भी मैंने नेचुरल मोड और मेरे को याद है कि उसके अंदर कमेंट सेक्शन में भी स्पेशली वो नेचुरल मोड वाली चीज को हाईलाइट किया, बहुत सारे व्यूअर्स ने किया था, सो वो था। तो क्या अभी वो हमें जय वीरू की वो बॉन्डिंग इस टाइम दिख सकती है, कुछ रिक्रिएट यहाँ पर किया जा सकता है जिससे व्यूअर्स को वो चीज वो फील आया इस वीडियो में? मैं इसके मार ही सकता हूँ, ऐसा कुछ था नहीं, वो फनी एलिमेंट्स थे उसमें शोले को लेकर, तो जो स्पूफ होता है ना उसमें तो कहानी का अगर वैसे कर दो तो थोड़ा उसमें मजा आ जाता है, ऐसा कोई कैरेक्टर वो नहीं है कि ओके तो अभी आप तीनों मेरे साथ बैठे हो और आई थिंक मुझे लगता है कि मुझे नहीं बताना चाहिए कौन सा कैरेक्टर आप अभी करके दिखाओ,
अगर मैं आप तीनों को बोलूं कि एक एक कैरेक्टर तीनों को करना है कुछ भी अपना फेमस या फिर अपना फेवरेट कैरेक्टर अभी प्ले, तो वो कौन सा करोगे? अभी मुझे तो इनका लग रहा है तो जैसे मतलब ये तो वो भी बोल रही अलग अभी ये अभी ये, अभी तो मनोज चल रहा ट्रेंड मनोज चल रहा मुझे क्या पता मुझे क्या पता मुझे क्या पता कौन से कैरेक्टर बोल दो वसीम भाई वही बोल दो मुझे क्या पता मैं कौन सा कैरेक्टर करूंगा पर कर दूंगा कोई सा वो तो टाइम पे है अब यही चल रहा है आई नो ये बहुत ज्यादा चल रहा है ये मुझे पता है इसके बारे में और अगर और करवाना है तो फिर मुझे संजय बनना पड़ेगा संजय बन जाता तो मुझे डंडा चाहिए ना आप भी फिर अभी डंडा ढूंढ लो भाई डंडा डंडा नहीं लाइए सबसे पहले मैं हॉस्पिटल नहीं जाना हमें हॉस्पिटल नहीं जाना एक बात बताओ जो लड़कियों को आप नहीं लेते लेकिन अब ऐसा है कि कभी प्रपोजल्स आ रहे हैं लड़कियों के डीएम से भरे पड़े हैं मैसेजेस लड़कियों के ऐसा कुछ होता है आई थिंक वो सिचुएशन आ गई है अब हां वो तो होता है तो क्या रिप्लाई जाते हैं लड़कियों को जाते ही नहीं तो कर देते हैं कभी कभी जैसे नजर पड़ती है इंस्टाग्राम पर तो कर देते हैं ऐसा नहीं कि बैठे उस पर टाइम ही नहीं मिल रहा नहीं कि ढूंढ रहे हैं कौन सी लड़की कौन सी डीपी अच्छी लग रही है इसको रिप्लाई करना लड़कियों का प्रोफाइल भी चेक नहीं किया जाता मेरे ख्याल से डीएम से इतने आते हैं कि कहां तक चेक करो वो बहुत ज्यादा होती है तो टाइम वेस्ट लोंडे हैं भटक जाएंगे और बिजी लोंडे हैं ये भी बोलो बिल्कुल बिजी है बहुत ज्यादा ही बिजी है ये लोग अच्छा जैसे ना भुवन बाम ने अपना एक यूनिवर्स बना लिया और जैसे कैरेक्टर्स तो पहले ही प्ले करते थे तो वो ढिंडोरा लेकर आए वहाँ पर एक्सटेंशन दिखा दी अपने कैरेक्टर्स का ही आप लोगों का भी कोई प्लान है कि राउंड टू हेल का एक यूनिवर्स पूरा क्रिएट करना है या किसी कभी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर हम राउंड टू हेल के कुछ देख पाएंगे कोई सीरीज देख पाएंगे बेसिकली अगर मैं आगे का प्लान पूछूं तो क्या है नहीं यूनिवर्स तो अपना 3 साल पहले बना के छोड़ दिया था हमने पबजी में पबजी में यूनिवर्स यूनिवर्स उसमें सारे कैरेक्टर थे ऐसा नहीं है कि हम अपने जो कैरेक्टर्स हैं उनका कोई यूनिवर्स बना हम एक नई चीज लेकर आ रहे हैं मतलब ओटीटी प्लेटफॉर्म पे उसको करेंगे अभी बात चल रही है बैठे हमारे सर तो उसका कुछ नया लिखेंगे इनका एंगल अलग से ले लेना भैया का साइंस फिक्शन कर रहे हैं ओके इससे मुझे एक और बात याद आई कि एक गाना था जो ढिंडोरा में था और उसका व्लॉग इन्होंने शेयर किया था और कि किस तरह से शूट हुआ कैसा एक्सपीरियंस था वो बिकॉज हमने पहले कभी भी इस लेवल पर क्रिएटर्स को साथ में आकर ऐसे परफॉर्म करते हुए नहीं देखा साथ में बिकॉज वो कहीं ना कहीं वो चीज दिख रही थी यू नो कि वो ब्रदरहुड है सब में और सब सारे साथ साथ में आए एक सीरीज के लिए तो वो ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा था आपके बहुत अच्छा था बहुत बढ़िया बहुत अच्छा मजा आया था नई चीज थी तो कुछ उस तरह के भी आई बिलीव उस टाइम आपके पास काफी रिस्पॉन्सेज आए हुए वो तो जब पहुंचे थे तभी आने लगे थे क्योंकि काफी अच्छा था नई चीज थी वो यूट्यूब मतलब इतने सारे यूट्यूबर्स एक साथ अभी यूट्यूब से कितनी कमाई होती है राउंड टू हेल्थ गूगल तो हम कर चुके हैं देखो नहीं गूगल तो लेकिन गूगल पता नहीं कितना सच बोलता है गूगल तो मुझ पे मर्सिडीज दिखा रहा है मुझे पता है मैं ओला करके आ रहा हूं सच में वो ऐसा नहीं है जैसा वो दिखाता है अभी हमने आपसे शुरू में बताया कि हम तो अर्निंग कर ही नहीं पा रहे वीडियो से उस तरह से कि हम इतना बड़ा कंटेंट बनाते हैं इतने महीनों का हम चाहते तो हर महीने एक वीडियो पोस्ट कर सकते हैं लेकिन हम एक बेहतरीन वाला कंटेंट देना चाहते हैं जो लोग ना कर पाए एकदम से लेकिन फिर भी हमें वो नहीं मिलता ना उससे मतलब कमाई में वो नहीं मिलता लेकिन रेस्पॉन्स में हमें सबसे जबरदस्त मिलता तो हम उसके लिए भी खुश है कि रेस्पॉन्स तो मिल रहा है बट आज की डेट में कितना बजट रखते हो आप पर वीडियो अगर बजट बनाए तो वीडियो डिपेंड करती है ना वीडियो डिपेंड कितने दिन शूट होगा शूट का डेज कितने हैं क्रू एंड मैनेजमेंट कितना है तो उसमें यहाँ पे काम किसका कैसे डिवाइड होता है क्योंकि ये मेरे लिए मेरे को बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है जानना तीनों का काम कैसे डिवाइड होता है कौन स्क्रिप्ट करता है हम तीनों ही स्क्रिप्ट करते हैं टीम भी बैठती है हमारे साथ स्क्रिप्ट अच्छा है 15 लड़के हमारे पास 15 लड़के तो वैसे ही फिर शूट जब जाते हैं तो 28 डोंट टेल मी कि आपकी नॉर्मल टीम में भी कोई लड़की है नहीं
भाई इनको अलग ही दुश्मनी है लड़कियों से, मैं मान गई यार, इनको अलग ही दुश्मनी है लड़कियों से, इनकी टीम में कोई लड़की है ही नहीं। नो मेकअप आर्टिस्ट, नो हेयर दीदी, नो वन, कुछ नहीं, कुछ नहीं, सब लड़के, सब लड़के। ये टीम के अलग अलग काम है, जो भी जिस बंदे का जो काम है वो अलग, ऐसा होता है। अच्छा एक और सवाल है, और बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, और ये सवाल का जवाब बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं, वायरल कॉन्टेंट बनाने की रेसिपी क्या है? उबले हुए चावल। हम वायरल हम बनाते नहीं, मुझे नहीं लगता हम वायरल बनाते, अब तो जो हम डालते हैं वही वायरल है। रेसिपी पूछ रही है कैसे वायरल होता है, कॉन्फिडेंस। वसीम भाई ने जवाब दिया, अब हम जो बनाते हैं वो वायरल, ये सच है, फैंस खुद कहते हैं ये बात। बट हाँ, अगर नए क्रिएटर्स हैं तो उनको ट्रेंडिंग टॉपिक पकड़ने चाहिए। अभी है जो चीज। अच्छा आपके तो बहुत सारे फैंस हैं जी, लेकिन किस कंटेंट क्रिएटर का काम आप फॉलो करते हो या आपको पसंद आता है पर्सनली? नहीं, सबका पसंद है, हमें यूट्यूब में तो मतलब ऐसे हम नहीं करते कि अपने कंटेंट में ना, हमारा अलग है, थोड़ा जोनर अलग है, हम क्रिएटर का नहीं, सबका अलग अलग होता है। तो मेरे ख्याल से हम तो ज्यादातर बाहर के जो डायरेक्टर्स हैं या वो हैं, उनका नोलन हो गया, एक और था अपना, वो भी अपना ही अवतार वाला, अवतार है ना, नाम ध्यान नहीं आ रहा, इनके बिहाइंड द सीन भी देखते हैं, तो उनसे सीखते हैं थोड़ा। कैसे रिया अपना अवतार वाला, जैसे घर पे आता हूं रोज, 2 बिलियन अपना अवतार है ही सही भाई, इतना फेमस हुआ है, लेकिन अब आगे और कितने मिलियंस के रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं। वसीम भाई वैसे अवतार में जा सकते हैं, जिनके रोल जिनके रोल है ना, लिया जा सकता है इनको, इनकी कास्टिंग हो सकती है। वैसे थोड़े डार हो क्या, सुन रहे हो क्या, नाभि इतनी लंबी है, वो तो बीएफएक्स है, वो तो बीएफएक्स है, कास्ट कर लो इनको। टैलेंट में कमी नहीं है गाइस, टैलेंट तो है ना, है ना, बस और क्या। अभी इतने मिलियंस ले लिए हैं, कई सारी वीडियो से मिलियंस मिले, जैसे मैंने बोला कि 50 मिलियन से कम तो आप लोग बात ही नहीं करते, डील ही नहीं होती आपकी, तो आगे और कितने मिलियंस के रिकॉर्ड तोड़ने का प्लान है? मिलियंस का कितनों का रिकॉर्ड तोड़ने का प्लान है, कितना तोड़ेगा भी यार, ऐसा कोई डिसाइड नहीं करा, तोड़ने का खुद टूटते रहते हैं ऐसे अपने आप ही ऑटोमेटिकली, व्यूज ही तोड़ेगा नहीं, व्यूज की बात कर रहा हूँ, लेकिन खुद ऑटोमेटिकली टूटते रहते हैं, अब हम इतना नोटिस भी नहीं करते क्योंकि उन चीज़ों पर ध्यान देंगे, तो मेरे ख्याल से एक अंदर वो आ जाता है ना, अपना काम करो, टूटते रहेंगे, सबको पता होता है ये टूट रहे हैं, क्या हो रहा है मार्केट में, है ना, व्यूज तो कितने भी आ सकते हैं, ऑडियंस जुड़ी रही है, पर जब तक तोड़ेगा नहीं, जब तक आगे नहीं बढ़ेगा, पहली बता रहा हूँ पॉइंट। अब मेरे को पता है ये लोग ये वाली फिलॉसफी पूरी तरह से फॉलो करते भी हैं। फैन फेस्ट की आपकी वीडियोस काफी वायरल हुई थी उस टाइम, आई थिंक आपने किसी इंटरव्यू में बताया था कि किस तरह से बैरिकेड्स तोड़े गए, तो वो उसका मुझे थोड़ा सा बताओ कि एग्जैक्टली क्या हुआ था। बिल भी आया था फिर बैरिकेड्स का, वो आपने भरा था? नहीं, वो हाँ यहीं था, वो गुड़गांव में था, एम्बियंस मॉल में था फैन फेस्ट। तो उस टाइम पे ना क्या हुआ था कि बहुत सारे फैंस इकट्ठा हो गए थे, हमने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतने ज़्यादा फैंस आ जाएंगे। तो हम जैसे ही स्टेज पर पहुंचे तो जो फैंस थे उनकी भीड़ बेकाबू हो गई, और जो बैरिकेड्स लगे हुए थे आगे उन्होंने वो तोड़ दिए। तो हम शो शुरू ही कर रहे थे, मैं अपना कैरेक्टर ले रहा था, ये अपना ले रहा था, तो फैंस ने इतनी वो कर दी कि वो जो बाउंसर थे या जो गार्ड्स थे वो भी नहीं कर पाए कंट्रोल, स्टेज पर चढ़ कर आ गए, तो हमें उन्होंने नीचे उतारा वापस, और फिर 15-20 मिनट बाद उन्होंने हमसे कहा, हमसे रिक्वेस्ट की कि यार अपने फैन से प्लीज स्टेज पे चढ़ के एक बार कह दो कि ये प्लीज ऐसे बैरिकेड्स ना तोड़ें और ऊपर ना आए, तसल्ली से ये सुन लें जो भी हमारा शो होने वाला। मेरे ख्याल से गए थे दोबारा, लेकिन फिर तोड़े, फिर तोड़े, मना करने जाने पे भी तोड़े, बहुत अच्छा। पागलपन देखो लोगों का क्या हो जाता है आप लोगों को देखकर, कभी एक्सपेक्ट किया था कि इतना प्यार मिलेगा लोगों से? नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं किया था, दे रहे लोग तो बड़ा अच्छा लगा। तो इन्हीं घातक फैंस के लिए इंटरव्यू को एंड करते हैं, लेकिन इन्हीं घातक फैंस को आप क्या मैसेज देना चाहते हो तीनों मिलकर आज? मैं तो यही कहूंगा कि जो अभी आप कट्टर फैन हो, डबल हो जाओ, यही कि ऐसी कट्टरता दिखाते रहो फैंस, बहुत ज्यादा है। और यहाँ ही नहीं, आई थिंक वर्ल्ड वाइड भी फैंस फैलाओ। हाँ, राइट, जो रिश्तेदार All right. Thank you so much, guys. बहुत मजा आया आपसे बात करके, एंड सच में ऐसा लगा कि आप लोगों ने ऐसा कुछ बहुत बार होता है कि हम ना इंटरव्यूज लेते हैं, बहुत सारे लोगों से मिलती हूँ, रोज मिलती हूँ, बातचीत करती हूँ, और बहुत बार ऐसा होता है कि ऐसा दिखता है कि यू नो मे बी फिल्टर लगाया हुआ है कई लोगों ने, कई लोग लगाते हैं फिल्टर कि बात नहीं करते ढंग से, जवाब नहीं देते हैं, बट आप लोगों से बात करके मुझे ऐसा लगा नहीं कि आप कुछ भी छुपाने के मकसद से यहाँ पर बैठे थे, और ऐसा लग रहा था कि बैठे हैं तो दिल से बात करेंगे, और वो चीज मुझे जरूर लगी है।
सो थैंक यू सो मच इतनी हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन के लिए, इतना कैंडिड होने के लिए, एंड इतने रॉ हो, शायद इसलिए लोग आपको इतना प्यार देते हैं. जो मैं आज मिली हूँ तो मैं शायद समझ पाई हूँ. सो थैंक यू सो मच मैंने इतना टाइम निकालने के लिए. मुरादाबाद के ये तीन लड़के स्पेशली आज दिल्ली आए हैं, एंड आई एम रियली हैप्पी कि इन्होंने आज हमें इंटरव्यू देने के लिए दिल्ली. थैंक यू सो मच. तो फ्रेंड्स आपका इंटरव्यू वीडियो कैसा लगा? राउंड टू हेल जानसरी का वीडियो कैसा लगा? मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा. आप लोगों को पता चल गया होगा इनका स्ट्रगल के बारे में, इनकी स्ट्रगल किस तरीके से वीडियो बनाते हैं, कितना ज़्यादा मेहनत करते हैं, तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा. तो आप लोग बताना कि आप लोगों को मेरा रिएक्शन वीडियो कैसा लगा. और आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना मत भूलना, बेल आइकन पे क्लिक कर देना, जिससे आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके. और आप लोग मेरे चैनल को सपोर्ट करें और जिससे मैं आगे बढ़ सकूँ. तो आप लोग मेरे चैनल पर अपना प्यार बनाए रखें. तो आप लोग कमेंट करके बताना कि मैं नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो किस पे बनाऊं. और मेरे दो चैनल और डिस्क्रिप्शन में लिंक होंगे, आप लोग उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. बाय बाय फ्रेंड्स.